क्या हो गया वासिफ? सब खैरियत है? सॉरी मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। असल में सारी गलती मेरी थी, मैंने इसको कहा था झूठ बोलने के लिए और मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं भाभी आई एम रियली सॉरी। असल में ये मिलता भी तो नहीं है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाने पड़ते इससे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता था मेरे छोटे से मजाक की वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाभी उठक बैठक करते रहो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वैसे कितना परेशान हुआ मैं। आई एम रियली सॉरी, पता है मैं क्या करूँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दें और मेरे इस मासूम भाई को भी प्लीज़। देखा फर, असल मुजरिम यही है, यही कसूर हो वाला तुम्हारा। भेज दो। हो गया, चल बेटा बिरयानी खिला। चल ना यार, क्या एक्टिंग किए तूने यार, मजा आ गया। यार सीन तो कर लिया। अरे तो रिप्लाई भी आ जाएगा। अरे हमारी मासूम शकुओं से कौन कब तक खफा रह सकता है। वैसे यार थैंक यू सो मच यार। कोई बात नहीं मेरी जान, भाई है तो मेरा, और वैसे भी एक प्लेट बिरयानी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे बल्कि मैं क्या, पूरी कौम। शादी किसकी है किससे ये किसी को नहीं पता, बिरयानी अच्छी थी या नहीं ये सबको याद होता है। बिरयानी पे तो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, मतलब बिरयानी अच्छी समझो सीट पक्की, तो ये मैं छोटी मोटी सर्कस नहीं कर सकता, क्या बात कर रहा है यार। वैसे ये तो पता सीन क्या है। क्या? वही जो सब तुमने सर्कस करवाया, इसके पीछे की वजह। कुछ नहीं यार, बस एक दोस्त के साथ गया था। अब वो तेरी तरह थोड़ी है कि वीडियो बना के बजाते पेश करता रहेगा। दोस्त? ये एक नया इंकशाफ है यार, मुझे लगा मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। हमेशा। हेलो, ये क्या था? ये गवाही थी मेरी बेगुनाही की, अब तुम्हें यकीन आ गया ना मेरी बात पे? झूठ बोलने का इकरार करके मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन आया है कि नहीं? यार झूठ सिर्फ इतना था कि मैं दुकान पे नहीं था, और तुम पता नहीं कौन सी कहानी अपने दिमाग में लेकर बैठी हुई हो। एक मिनट, मैंने कौन सी कहानी सोच ली? वही कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या? वही जो बीवियां सोचती हैं यार, कि शौहर जब बगैर बताए कहीं चले जाते हैं या झूठ बोलते हैं कोई। ये असल में सब तुम्हारे अंदर का गिल्ट बातें कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। यार फरत, अब तुम झगड़ा ना स्टार्ट करो यार, पहले दो दिन से तुम एक मामूली सी बात पे ना मुंह बनाए बैठी हो, और देखो तुम्हारी खातिर अपने दोस्त से ना उठक बैठक करवाई है मैंने। लेकिन खुद को तो तौफीक भी नहीं हुई कि मुझे सॉरी बोल देते। अच्छा ना, सॉरी सॉरी, देखो एक बार नहीं दो बार बोल दिया मैंने। मुझे लग रहा है तुम स्माइल कर रही हो। हैं? चलो अच्छा, ये मसला तो सॉल्व हुआ, और हाँ इससे पहले तुम झगड़ो शाम में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो, शाम में तो जल्दी आ जाओगे ना? हाँ हाँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हंस लो तुम, हंस लो। क्या जिंदगी है यार तुम्हारी, पहले कैसे परिंदे की तरह उड़ते थे, अब छोटे से पिंजरे में कैद। यार मिस करता हूँ वो दिन यार, अफसोस होता है यार देख के। इतनी सी बात में झूठ बोलना पड़ता है। ओ बेबी बाजी आ गई है।